यूपी में बीजेपी 2022 में 305, इस बिल का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अपवित्र गठजोड़ में, उनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे, तो मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना, और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है। हिंदुस्तान में जहां तक चुनाव का प्रश्न है, मोदी योगी का कोई तोड़ नहीं है, और उत्तर प्रदेश का जहां तक मामला है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, योगी और मोदी का जादू बरकरार है। सिद्धू कब क्या कहेंगे, उनके बयानों से उनकी पार्टी संकट में फंस जाती है, पर मैं संत होने के नाते एक नेक सलाह दे सकता हूं, छोटे भाई को बड़े भाई के पास ही रहना चाहिए, तो अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। राकेश टिकैत क्या कहते हैं और कोई क्या कहता है, प्रश्न ये नहीं है। इस देश को मोदी पर भरोसा है, किसानों को मोदी पर भरोसा है, हमें मोदी पर भरोसा है। मोदी जो करेंगे वो राष्ट्र के हित में करेंगे, इस देश को पूरी तरह से मोदी पर भरोसा। स्टेट के चुनाव से इस बिल को नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। मैंने जो आपको बताया, पता नहीं आप क्यों से पूरी तरह चाहते हैं। एक मंच पर अगर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और उस गठजोड़ को अपने तरीके से मोदी जी तोड़ने का काम किया है, तो इसको स्वीकार किया है। मुझे लगता है मोदी ने राष्ट्र का सम्मान किया, तो हिंदुस्तान की राजनीति नकार दिया है, और राजनीति के पप्पू को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, इनका नाम लेने का कोई औचित्य तो है नहीं। अगर किसी में ताकत है, 2022 सामने युद्ध के मैदान में आए, युद्ध लड़े, अब हवाएं ही करेंगी, रोशनी का फैसला जिस दिए में दम होगा सो दिया रह जाएगा।